ओके, तो ग्रेजुएशन बॉब में हम लोग क्या करेंगे, बॉब मतलब क्या माना, ब्लंट कट। हाँ, बॉब का दूसरा नाम क्या है, ब्लंट कट। हमारे तो बॉब और ब्लंट का लेंथ कितना होगा, हमेशा शोल्डर के ऊपर। हाँ, अब शोल्डर के ऊपर आपके ऊपर है कि आपको शोल्डर के ऊपर ग्रेडो कितना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ आपको नेक कवर करना है कि नेक के हाफ रखना है कि और ऊपर रखना है, वो क्लाइंट से आप पूछ के कर सकते हो। ठीक है, इस जितने भी बॉब हेयर कट है उसके अंदर हम लोग वन लेंथ हाफ फेदर नहीं करते, वो लंबे बालों में करते, मतलब हाफ फेदर वाला नहीं आएगा। ठीक है, सारे के सारे हेयर कट जो होंगे वो पीछे से ही स्टार्ट होकर आगे जाएंगे सारे। हाँ, लंबे वालों में हम लोग चेंजेस भी कर लेते हैं, आगे से नहीं कर लेते। तो इसके अंदर हाफ फेदर नहीं है, ये कन्फ्यूज नहीं होना है, और छोटे छोटे सेक्शन में काम करना है, और सारे हेयर कट पीछे से ही स्टार्ट होंगे। बड़े बड़े सेक्शन में करोगे कट बराबर नहीं आएगा, तो होल बेसिक सेक्शन मीडियम है ना। नेक नहीं, गर्दन पर, गर्दन ना चेंज तो कहते हैं, वो आपका आगे आ जाएगा ना, लेयर करने में क्या आपको लिख देना है, वो तो आगे वाला पार्ट है। इसमें हम लोग हाफ फेदर तो कर ही नहीं रहे, पूरी गर्दन है तो आधी या तो हाँ, बस शोल्डर के ऊपर चाहिए आपको। बाल स्प्रे बढ़ो, बाल थोड़ा सा गीला कर लेंगे हम लोग, वेट कर लेंगे, और स्मॉल सेक्शन निकाला मैंने, ठीक है। तो बॉक्स सेक्शन लेना है, जब है ना अपनी साइड से कर सकते हैं, और पहले आपको 90 डिग्री में बेस बनाना है। हाँ, डायरेक्टली बेस नहीं बनाना है, तो फर्स्ट सेक्शन लिया, बेस बनाओगे। अब मेरी सपोज ये नेक है, तो अब मैं देखूंगा इसको यहाँ तक रखना है, ऊपर रखना है, थोड़ा और ऊपर रखना है। और बेस के अंदर मेरी तीन चीज़ें हैं गाइडलाइन की, आप बेस स्ट्रेट रख रहे हो, बी रख रहे हो, तो हो जाएगा मेरा वेज ब्लेंड, वेज पिरामिड, वेज ब्लेंड। बी मतलब वेज ब्लेंड, स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट ब्लेंड। तो पीछे से आप स्ट्रेट रखो, बी रखो, या पॉइंटेड भी रख सकते हो, तो दो तीन ऑप्शन आपके पास रहेंगे। अच्छा सर, अगर डी रखे इसको नीचे, अगर ग्रेजुएशन तो मेरा ऐसे उठ के ही आया, बस फर्स्ट सेक्शन खाली चेंज होगा। हाँ, पॉइंटेड जैसा भी मैं काट रहा हूँ, पॉइंटेड मतलब छोटे बड़े बाल। ठीक है, ये सेक्शन मैंने लिया, ये सेक्शन लिया, और मैंने एक बेस बना लिया भैया 90 डिग्री में, और ये दोनों साइड से मैंने उसको मर्ज कर दिया। हाँ, फिंगर एकदम स्ट्रेट रखना है सर, ये हैवी बालों के लिए ना, मतलब 90 पतले वाले। हाँ वही सर, पतले वाले, पतले वालों में वॉल्यूम देने के लिए। हाँ, अगर आपके हैवी वाले तो डायरेक्ट स्ट्रेट कर दो, वो आप 0 डिग्री में कर दो बेस। हाँ, तो मैं हैवी बाल है तो उसमें मुझे बाउंस के साथ करना है। ठीक है, ये सेक्शन हो गया। अब आपको इसको ऐसे ही छोड़ोगे तो ये आपका हो गया पॉइंटेड। हाँ, तो जब क्लाइंट को आप करोगे तो यहाँ पे कहीं से थोड़ा छोटा हो जाएगा, कहीं से लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपने 90 उठाया काटा, यहाँ पे तो स्ट्रेट है, बट छोटे के साथ ही वो सीधा नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने स्ट्रेट नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑप्शन है पॉइंटेड का, स्ट्रेट करना है तो फिर स्ट्रेट कर लो। हाँ, क्लाइंट को पूछा ना कि मैम आपको पीछे से कैसे रखूँ, मैं स्ट्रेट में रखूँ तो थोड़ा वी शेप में रखूँ, तो थोड़ा सा नेचुरल रखूँ, नेचुरल बोल सकते हो, पॉइंटेड बोल सकते हो, कि थोड़ा नेचुरल में आपको कहते हैं ना छोटे बड़े ऐसे पॉइंट्स आएंगे, वैसे भी रख सकते हो। अच्छा, दिखा दो, चाहिए उनको कन्फ्यूज हो रहा है, बैक मिरर कर दिखा दो मैम, मैं एक सेक्शन काट के मैम देखो ऐसा दिखेगा पीछे से, वो बोलेगी तो छोड़ सकते हैं। अच्छा, क्योंकि जो क्लाइंट आपको ग्रेजुएशन बॉब ये सब करने के लिए आएंगे, वो उनको थोड़ा सा स्टाइलिश भी चलता है, अगर तो शॉर्ट रखती है, वो उनको यूज टू है वो इस हेयर कट के। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मेरा हो गया 90, और बेस बना लिया 90। मैंने क्या काटा, मैं डायरेक्ट भी ऐसे काट सकता था, बाउंस देने के लिए। हाँ, बाउंस देने के लिए। अब ये सारे बाल क्राउन तलक 90 में करता है। ठीक है, छोटे छोटे सेक्शन लेना और क्राउन तक का 90 तक, तो ये मेरे क्या होंगे, ग्रेजुएशन आ जाएंगे पूरे ऊपर तक। बाल बैठा और वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल फिंगर। हाँ, हाँ, सेक्शन लेना है, गाइड है नीचे वाला आपका, और इसको ये नीचे वाला ऐसे जो कट गया, गाइडलाइन तो लेंगे नीचे से, गाइडलाइन लेंगे। ठीक है, और फिंगर को थोड़ा ड्रॉप करके रखना है, ये स्ट्रेट, ये 90 है, बट आपको हमेशा जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो ये लेके थोड़ा सा इसको नीचे रखना है, ताकि आपका बाल थोड़ा सा जेंट्स कट के जैसा नहीं दिखे। अगर आपने ये स्ट्रेट काट दिया पूरा 90 में तो बॉय कट बन जाएगा। अच्छा, ग्रेजुएशन कट, बॉब कट कब बनेगा, ब्लंट कट, जब आप इसको थोड़ा लंबा रखोगे तो ये थोड़ा सा बाउंस के साथ आएगा और लंबा दिखेगा, ऐसा फूला हुआ दिखेगा। स्ट्रेट मैंने काट दिया तो स्टेप पड़ जाएंगे,
स्टेप बन जाएंगे वो वाई कट दिखेगा। हाँ तो फिंगर का मूवमेंट चेंज हो जाएगा, आपका कट पूरा खराब हो जाएगा। एनी हाल सेक्शन लेना है 90 है ड्रॉप नीचे और फिर मार, तो जब भी आपका होगा ये थोड़ा लंबा हो जाएगा और ये सेम मेरा क्राउन तक के सेम कटेगा। वर्टिकल फिंगर और काटने का तरीका भी ऐसे ही वर्टिकल। ठीक है ये सेम, अभी हम लोग छोड़ेंगे, आज इसमें भी हम लोग छोड़ते हैं, हम लोग बॉक्स बनाते जाएंगे यही वाला। ठीक है हम लोग सिर्फ गाइडलाइन लेंगे, गाइडलाइन तो लेना पड़ेगा। और ये जो जो कट जाएगा वो छोड़ते जाएगा। ठीक है गाइडलाइन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा आपका होना चाहिए, तो मेन फोकस आपका काटने वाले पीस पे होना चाहिए, ज़्यादा गाइडलाइन होगा तो फिर करते जाएगा। सेक्शन थोड़ा सा फिंगर देखो मेरा, मेरी फिंगर कैसे कर्व है, हाँ ऐसे करके ऐसे आ रही थोड़े नीचे। हाँ तो अब यहाँ पे देखोगे देखो ये बाल छोटा है, इसके ऊपर वाला बाल थोड़ा लंबा है, हाँ तो ऐसे ही मुझे रख तो बहुत कर्ली बाल होंगे तो ये वाला नहीं करोगे प्लीज़। जैसे हम लोग लॉन्ग हेयर में करते हैं ये वाला बाल कब करोगे, जब आपके बाल थोड़े फाइन है आपको बाउंसी देना है, तो आप उनको बोल सकते हैं मैम आपको मैं ग्रेजुएशन वॉप करती हूँ, इसमें आपका ना पूरा बाउंसी लुक आ जाएगा। अलग ऑयली वालों तो स्मूथनिंग करो, ट्रीटमेंट करो, तभी ब्रांड अच्छा लगेगा। हाँ मैम मैं तो कर दूँगा, बट आपको कैसे ऑयली वाले बाउंसी दिखेगा, आप कैरेटिन कर लो स्मूथनिंग कर लो, उसके बाद आपका ब्लेंड और अच्छा लगेगा। सजेस्ट करो किसी को फेदर करना है कर्ली वाल है, सजेस्ट करो ना ट्रीटमेंट, फेदर तो कभी दिखेगा ना जब बाल थोड़े सेट होगी, बाउंस उसका निकल जाएगा, फिर आप कट दीजिएगा। कभी कभी बोलता है आपके पास वेवी वाला आ गया, आपने फेदर कट किया, ब्लो ड्राई करके सेट कर दिया, उसको लुक अच्छा लग रहा है, मुझे यार अच्छा लग रहा है, वॉश के बाद तो निकल जाएगा, बट वही तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको चलेगा 4-5 महीने या आपको ये और ज़्यादा चाहिए तो हम स्मूथिंग कर लो, आपको चलेगा 1 साल के लिए ऐसे ही। हाँ हाँ हमको कन्विंस करना है, मतलब बताना है चीज़ों के बारे में। 1 साल चलता है स्मूथिंग, 16 कैरेटिन बोटॉक्स सब 3-4 महीने चलते हैं, वो भी वॉश के ऊपर है, वो भी शैम्पू के ऊपर है, वॉश कम करना है और शैम्पू जो है आपको सल्फेट फ्री वाला यूज करना है। नॉर्मल शैम्पू घर पे जाके डेंटर वाला लगा लेंगे तो एक महीने भी निकल निकल जाएगा, हाँ क्योंकि वो हमारे कॉटेक्स में काम नहीं करता, हमारे ऊपर वाली लेयर में काम करता, तो ऊपर की लेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज़ करेंगे तो ऊपर की लेयर से वो धीरे धीरे हट जाएगा, स्मूथनिंग नहीं हटता। बताना ही बताना ही, दो वॉश है आपके पास, अगर सैलून में स्टॉक है तो आप उनको एक्सप्लेन करो बताओ, ये तो आप बाहर से बताओ जो भी है, बट उनको सेम वही बताओ। ठीक है तो सेम बॉक्स सेक्शन लेते जाना है, ऊपर कलर सेक्शन गाइडलाइन फोन किया लॉक और राइट, देखो जैसे जैसे ऊपर आ रहा बाल बड़े हो गए सर, तो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा काटने में दिक्कत आएगी क्योंकि बाल छोटे रहेंगे, पर जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना बाल बड़े आ जाएंगे तो फिर आपका इजी होगा। और ब्लो ड्राई कौन सा करना है, इन ब्लो ड्राई, हाँ सबको थोड़ा बाउंस देना है और बस अंदर की तरफ रोल करना है, और इन मतलब फेदर में, इन में कैसे बताता हूँ, सारा शोल्डर के आगे खींचे, यहाँ पे जहाँ के बाल है बस वहीं पे इन, क्योंकि छोटे वाले तो ट्रेवल तो कर नहीं सकते, तो इन करने से क्या होगा आपका नीचे का बाल बाउंसी हो जाता है, तो स्ट्रेट कभी नहीं करना है रन कट के अंदर, इन करो जो ड्राई से स्ट्रेट मत करो, स्ट्रेट करोगे तो नहीं अच्छा लगेगा। कुछ इन्वर्टेड ब्लड वो सब कर रहे हो जिसमें आगे से आप लंगर लंबा रख रहे हो उसमें, उसमें भी आप करो कि पूरा एंड्स में थोड़ा सा इन करो तब अच्छा लगेगा। बस वही गाइडलाइन फॉलो करता जा रहा हूँ और
जहाँ के बाल है वहीं पर, हाँ प्लीज, या इधर उधर काट दोगे तो बाल पूरे कट पूरा खराब हो जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि ये बाल पीछे काटने में दिक्कत हो रही है, जैसे आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, तो आप और एक सेक्शन काटो, उसके बाद साइड से स्टार्ट करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, बस सारे बाल 90 पे कट होना चाहिए। जैसे मैं एक सेक्शन ये और ले लेता हूँ, और उसके बाद ये वाले बाल सब इधर काट दूँ, ये वाले बाल सब इधर 90 पे, तो वही इजी कटेगा, कट वही होगा, कट वही होगा। अगर आगे से काटेंगे पीछे से काटना है ना, गाइडलाइन पीछे से आएगी, बट ये वाले बालों का जो फॉल ना इधर इजी आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों को आपको ऐसा आना पड़ेगा, कभी कभी नहीं बनता, यहाँ पे आपको इजी पड़ेगा करने के लिए, इधर से भी काट दो गाइडलाइन, यहाँ से लो साइड में काट लो, ऐसा नहीं मैंने बोला क्राउन पर, आपको क्राउन पर भी काटना है, आपको 90 में काटना है। तो जहाँ तक क्लाइंट का जो फॉल है बालों का पीछे, इजी समझ में आ रहा है आपको, फिंगर में गिर पा रहा है वहाँ से काट लो, जहाँ से आपको काटने में दिक्कत हो रही है ऊपर, वो साइड में काट दो, पूरे 90 में कटाना चाहिए साइड में, ठीक है। अभी ये सेक्शन में काटूंगा, उसके बाद साइड में चला जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है मैं इजी काट दूंगा, यहाँ तक के मुझे इधर आना पड़ेगा, या फिर उसका हेड मुझे ऐसे करना पड़ेगा, हाँ कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूँ, हाँ तो साइड में काटूंगा। बस गाइडलाइन जो है मेरी उसको बस मैं फॉलो करता जा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, साइड से गाइडलाइन लेकर जा रहा हूँ और नीचे कुछ नहीं गाइडलाइन ला रहा हूँ, और बस ये गाइडलाइन आई, गाइडलाइन के पास गया मैं, बस नहीं ला रहा, नीचे से भी गार्डन, हाँ नीचे से गार्डन पूरी दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक पूरी दिख रही है, बस मुझे एक्स्ट्रा निकाल रहा हूँ, बाद में हम लोग रिवर्स चेक तो करते ही है, तो हम लोग नीचे का बेस चेक कर देते हैं, साइड के एंगल में थोड़ी साइड में ले जाना चाहिए, सब पीछे पीछे, ठीक है। अभी ये वाले बाल साइड में आ जाते हैं, हम आपको लग रहा है कि ये वाला जो पार्ट है इसके लिए आपको ज़्यादा ऊपर लिफ्ट करना पड़ रहा है, नहीं जम रहा है, तो साइड में काट लो, तो ये मैंने अभी इतना सेक्शन था पूरा ले लिया एक साइड, इसको इसमें मिला दिया, और यहाँ से सेक्शन स्ट्रेट के जैसे, तो ये सेक्शन सपोज मेरा यहाँ पे था, मैंने सेक्शन अभी ये टॉप ऑफ ब्लेड तक कर दिया फॉर एग्जांपल, तो जब आप ब्लेंड करोगे तो आप यहाँ की जगह थोड़ा सेक्शन पीछे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप मुझे काटने के लिए इजी पड़ेगा आप, ठीक है। तो पहले पीछे से सेक्शन लेके इसको स्ट्रेट करना, सीधा करना है 0 डिग्री, जैसे यहाँ पे कैसे स्ट्रेट किया, तो पहले मुझे बेस बनाना है, बेस कैसे बनाऊंगा, पीछे की गाइडलाइन से, वन लेंथ कैसे करता हूँ मैं वन, हाँ तो पीछे वाली गाइडलाइन, यही पूछ रहा था सर आपसे, तो गाइडलाइन शॉर्ट वाली सबसे लास्ट वाली जो आई है अभी देखो, हाँ वो सबसे शॉर्ट वाली है, कौन सी है, ये वाली है, इससे ये पहले पूरा सीधा होगा, तो आपका इन्वर्टेड खत्म हो गया, उसके बाद फिर आप इसमें करेंगे, ठीक है, सबसे लास्ट वाली गाइडलाइन एंगल 0, पूरा जो इन्वर्टेड था मेरा वो निकल गया, तो मेरा हो गया अभी ग्रेजुएशन बॉल है, कि आगे क्लाइंट बोल रहा है मुझे लंबा नहीं चाहिए, मुझे बस बाउंस ही चाहिए, हम लोग ये वाला करते हैं, अभी बेस बन गया, ठीक है, अभी डायरेक्टली उसको उठाना, जैसे आप उठाओगे गार्डन बन जाएगा नीचे, और सेम एंगल थोड़ा ट्रेवल, ज़्यादा कुछ नहीं है, अब इसके ऊपर आएगा पहला सेक्शन है ना, अच्छा हाँ, इसके ऊपर जैसे जैसे जाऊँगा तो फिर गाइडलाइन आएगी अच्छे से, देखिए लंबा आया ना, अब ज़्यादा कटेंगे बस, सर चौथा है कटा ना, चौथा है कटा ना, सर प्लांट स्ट्रेट यू,
ग्रेजुएशन Thank you.